अब दिख रहे छाले इधर इधर। हाँ मम्मी यहाँ से अरे को खोद रहे। मम्मा लेके आए थे ये मूली का, बंद गोभी का। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। 10:18 हो रहे हैं अभी, और मैं और मम्मी ना अभी सब्जी बीजने वाले, जो मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, मैंने थोड़ा सा वो खोदा था, बाकी अभी खोदते हैं और मैं बीज भी दिखाती हूँ मम्मा क्या क्या लेकर आए हैं। और मेरा सनबर्न दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे जुकाम भी हो गया थोड़ा। बस नाक बंद है, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा जुकाम हुआ है मुझे। तो चलिए जी, अब चलते हैं सब्जी बीजते हैं, दिखाते हैं आपको कि पहाड़ों में कैसे सब्जी बीजी जाती है। इधर देखिए जी, इधर मम्मा लगे हैं खोदने में। कल मैंने यहाँ से वहाँ खोदा था, मम्मी यहाँ से अरे को खोद रहे। और ये है कुछ बीज जो मम्मा लेके आए थे, ये मूली का, बंद गोभी का और टमाटर, और ये है फूल गोभी। तो ये सब कुछ बीजेंगे आज हम, और ये ना पूरा खोदेंगे हम, जहाँ वहाँ तक पूरा। और इधर से भी परे को मैंने बीच में से स्टार्ट किया था, मैंने बीच में खोदा है, तो ये पूरा खोदेंगे, उसके बाद बीजेंगे ये सब। इस तरह से ना हमने बैज बना लिए हैं, तीन चार, चार के पांच बैज बना लिए, और इनमें ना मैंने गोबर भी फैला दिया है। अब इनमें बीजेंगे हम सब्जी। इसमें बीजेंगे फूल गोभी, उसमें बंद गोभी, इधर धनिया टमाटर, और इधर बीजेंगे मिर्च। मूली हम आज नहीं बीजेंगे, मूली हम कल बीजेंगे, उधर को परे को खोद के, उसमें बीजेंगे मूली। और मैं ना हालत ख़राब हो गई है, बहुत थकी हूँ मैं। और मम्मी देखो इधर, मम्मी ने तो इतना सा खोदा और फिर छोड़ दिया। मम्मी बोलते मेरे से नहीं होगा, अब मैं गोबर ही लाऊंगी। फिर मैंने इधर सारा खोद के उसमें गोबर वगैरह डाल दिया, और ये गोबर पे ना क्या घास घास से मिक्स हुआ, कैसा दिख रहा है।
इधर हमने सब कुछ बीज लिया है और अब उधर वाला पोर्शन कल करेंगे। और इधर देखिए छाला, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है, और हाथ के हाल तो ऐसे हो गए ना भगवान। और इतना बड़ा सा दिख ही नहीं रहा है, इतना बड़ा सा छाला हो रखा है, हैंड वॉश करने के बाद दिखेगा। और दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए जी, हैंड वॉश करके अब दिख रहे छाले इधर इधर और इधर को, और राइट हैंड में भी देखो इधर को आया है, और इधर उंगली में भी है, बहुत दर्द हो रहा है इधर को। The next day. एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और व्लॉग कंटिन्यू ना मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ, क्योंकि कल ना उसके बाद मैं सो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, और फिर मैं ना सुबह ही उठी, आज की सुबह ही उठी, और मुझे जुकाम हो गया है, और ना मेरा सनबर्न भी ठीक नहीं हो रहा है। अभी भी मैंने वो लगाया, क्या बोलते हैं यार, चुल्लू की जो गुठलियाँ होती है ना, उनके अंदर का कड़वा होता है वो लगाया, तो उससे थोड़ा ठीक हो तो रहा है। कल शाम को भी लगाया था वो। और अभी मैं जा रही हूँ खेत, मम्मा गोबर लेके गए हैं और पापा और अंकल खेत में सेब लगा रहे, तो मैं जा रही हूँ ऐसे देखने के लिए, क्योंकि बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं करने को, तो मैं देखने जा रही हूँ। मम्मा ने मुझे धूप में निकलने से मना किया, इसलिए मैंने डाठू ऐसे बांध रखा है। देखते पापा और क्या कर रहे हैं नीचे। इधर है पापा और अंकल, ये लगा रहे हैं सेब, और मम्मा गए हैं उधर नीचे को गोबर लेकर। और अंकल ना इसमें पहले ये वाली दवाई डाल रहे, क्योंकि इससे फिर कीड़े नहीं लगेंगे जड़ों में। यहाँ है मेरे पास, मैं पानी लेने आई थी, और आजकल जो नेचुरल रिसोर्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था ना, उसमें आजकल लगाई है पाइप। ये पाइप ना पार उनके खेत के लिए होगी, उनने लगाई, तो चलते हैं देखते। मम्मा बोल रहे कि परे जैसे है ये पाइप खोलने को, और इधर इतनी कीचड़ है भाई साहब, ऊपर से मैं ना चप्पल में ही आ गई हूँ। मिल गया है मुझे आखिर ऊपर।